नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। भाजपा नेता मनीष यादव पत्रे ने पहुंचकर पीड़ित परिवार से की मुलाकात। फौजी सहित दलित परिवार को पीटने पर मामला दर्ज। जनपद इटावा के बसरियर थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत गांव उनबा संतोषपुर में मंगलवार को BSF जवान रिंकू और राम नरेश कठेरिया के परिवारजनों पर पास के ही गांव के कुछ दबंग लोगों ने मारपीट कर हमला कर फायरिंग कर दी थी, जिसमें चौबिया पुलिस ने गुलाब सिंह की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मारपीट से हरजन एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। यह जानकारी भाजपा नेता मनीष यादव पत्रे को हुई तो वह लखनऊ से वापस आते वक्त सीधे उनबा संतोषपुरा गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवारजनों को ढांढस बंधाया और शासन द्वारा हर संभव मदद किए जाने का भरोसा दिया। परिवार में मारपीट से घायल प्रेम सिंह को शासन द्वारा 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दिलाए जाने को कहा। भाजपा नेता मनीष यादव पत्रे ने मौके पर ही पुलिस को फोन करके आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भेजने को कहा। ग्रामीणों ने पूरी घटना की जानकारी मनीष यादव पत्रे को दी। ग्रामीणों ने बताया, गांव के लोग डरे हुए हैं, बस सदमे में भी हैं। नीता जी, उनबा संतोषपुर में जो कांड हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या है पूरा मैटर? ये हमने कठेरिया समाज के लोग हैं, ये बेचारे अपना करते खाते हैं। यहाँ कुछ ओसी राजनीतिक ओसी मानसिकता के लोग, सिर्फ ये बूथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 250 वोटों से जीत के गई है। ये मानसिकता लोगों में, विचारधारा यहाँ के कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों में बनी हुई है। इसी माध्यम से इस घटना को वोट न देने के कारण सिर्फ बहाना ढूंढ रहे, उन्होंने मारपीट की। मुकदमा सबके पीड़ित मुकदमा सबके खिलाफ दर्ज हो गया है, पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। पूरी इस पीड़ित परिवार के साथ पूरा न्याय कराया जाएगा। सरकार पूरी की मंशा है कि गरीबों को न्याय मिलेगा।